सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का दिन मुझे मिला अपनी फेवरेट ड्रेसिंग करने के लिए। मैंने तो नहीं चुपकाई, तो मैं अपनी शर्ट पहनने वाला हूँ ज़ारा की, और पैंट भी ज़ारा की पहनी है, शर्ट थोड़ी बस अलग है, और शूज़ भी अपनी मर्ज़ी के। बीवी जब रेडी हो जाएगी ना फिर सामने आ सकती है। बीवी अभी रेडी हो रही है और मैं जाऊँगा अभी वीडियो बनाने के लिए। हम लोगों ने आज जितना सो लिया कि उठा ही नहीं किया, तो चले अभी आप लोग साथ रहे, ऊपर जा रहे छत पे वीडियोस के लिए थोड़ा। तो देखते हैं अभी क्या ड्रेसिंग है हमारी साथ में, और आप लोग भी जो ये ड्रेसिंग करनी थी कल हमारे को दूसरी पे, लेकिन ये आज कर रहे हैं। तो चले देखते हैं आज कौन प्यारा लग रहा है, आपने कमेंट्स में बताना है। मैं रेडी होके मिलता हूँ आप लोगों से। तो फाइनली गाइस आई एम रेडी, और अभी जो है सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं ये शूज़, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है फॉर्म में चल रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अतर से अतर सॉफ्ट हैं, दिल जीत लिया शूज़ ने, ऐसा लग रहा है पैसे वसूल हो गए। तो चलें अभी छत पे आप लोग से मिलते हैं। क्या क्या ड्रेसिंग दिखाऊँ? ये थी मेरी बेगम की पसंद की ड्रेसिंग, मेरी यहाँ से नहीं नज़र आएगी। तो दोस्तों ऊपर तो हम लोग कब के आ चुके थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था, वीडियोस बनाना शुरू हो गए थे, और अभी जो है वीडियोस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। लग रहा नहीं लग रहा? तो बेगम पता नहीं क्यों अपने हस्बैंड की तारीफ नहीं सुन सकती। चारों तरफ 36 लोग हैं और अंधेरा होने का टाइम है। हाँ बेगम ने ड्रेसिंग करवाई है, बस जो भी लग रहा हूँ मैं अच्छा ही लग रहा हूँ। चेन तक पहना दी जिंदगी में, नहीं पहनी मैंने कोई चेन। तो आज के ईद के दिन भी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, इतने फारिग लोग हैं। हाँ आपने भी पहनी है मेरी सेम टू सेम चेन, मुझे पता है। ये ने पूरा सेट लिया था मेरा और अपने लिए। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नीचे, और मैं जा रहा हूँ गाड़ी सीखने के लिए। टाइम मेरे को इतना पागल, सारे काम छोड़ दूंगा मैं, वो गाड़ी सीखनी बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुकी है। तो वीडियोज़ बना ली शुक्र, तीसरी ईद की भी, तीनों ईद मैंने, ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने तीनों ईद वीडियोज़ बनाई है, तस्वीरें ली है। तो अभी जो है मैं आप लोग से मिलता हूँ आगे, जहाँ मैं गाड़ी सीखने जा रहा हूँ, आए साथ रहें। फाइनली अभी निकल चुके हैं हम लोग मामू के साथ। तो अब ड्राइवर सीट पे मैं आ गया हूँ, मामू यहाँ आ गए, और मैं भी ड्राइविंग स्टार्ट करने वाला हूँ। इंसान को पहली मरतबा बहुत डर लगता है, वैसे कॉन्फिडेंस है, जगह सामने खाली है पूरा पार्क, लेकिन ये है कि फिर भी गाड़ियाँ चल रही है, थोड़ा बहुत देख के ध्यान से चलानी पड़ेगी। पत्ते पत्थर और खड्डे, और आगे पब्लिक, इस तरफ लोग, हाँ ऐसे हल करके सामने की तरफ जाने दो। हो गया बेहतरीन। देखो जैसे ये आपको पता है ना कि जंप पे आपने सिलोगी, क्योंकि आप चलाते रहे हो गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह चलाते रहे, तो आपको आइडिया है। नए आदमी को आइडिया नहीं होता, वो एकदम से धड़ करके नीचे ले आएगा। अच्छा आज से बाइक वगैरह कुछ भी नहीं चलाया जिसने, बिल्कुल होगा ना। आपको देखो कितना माशाल्लाह कॉन्फिडेंस है चलाने में, और शौक है आपको, शौक अपने शौक की वजह से। अभी तो पहला दिन है। तो आसानी हो गई, अभी मैं जो है अच्छी खासी गाड़ी चला ली है, और मैं अभी मामू के साथ घर की तरफ निकल रहा हूँ। आजाने भी हो रही है, बहुत मज़ा आया इस गाड़ी चलाने का। हाँ कायद के मज़ार पे रश इतना है, इतनी पार्किंग, इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, ईद का दिन है इसकी वजह से सारे। आज मैं आपको ये रश दिखाता चलूँ, लोग किस तरीके से आए हुए हैं। ऐसा लगता है साल में सारे लोग एक दफ़ा निकलते हैं, किस तरीके का आगे रश है गेट के ऊपर। आवाम आप देखो कैसे लोग बाहर खड़े हुए हैं रशों की तरह। पब्लिक ही देख रहा हूँ मैं, चारों तरह से पब्लिक ही जा रही है, चारों तरह से पब्लिक ही जा रही है। क्या देखो पब्लिक ही है यहाँ, तो इतना ज़्यादा रश है और पता नहीं मिठाई बढ़ रही है क्या हो रहा है। तो
ऐप को लेके हॉट चिकन ट्राई न्यू फ्लेवर्स चेक कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं ट्राई करेंगे। हॉट मशरूम नहीं नहीं मैगियाँ जो है वो सैम जो आप लेने आई हो वो लो और सीधा घर। मार्ट में भी इनकी तो मैडम वो शॉपिंग कराने के लिए निकला हूँ ईद के दिन तो यहाँ से सामान लेके हम लोग सीधे जाएंगे घर पे। चलो और चीज़ें देख लो आ जाओ। फाइनली मेरी वाइफ ने इतना कुछ सामान ले लिया और वो अभी तक शॉपिंग कर रही है और मैं जो है सामान खा के तो मेरा अपने लिए खाली मैंने से ये दो जूस लिए तो आए भी देखते हैं और क्या क्या सामान लेते हैं। ये वही मार्ट है जहाँ से हमने राशन लिया था उमर के ब्लॉग के अंदर। मैं इसको दूंगी किधर है मैडम तो अभी जो है इसको उल्टा करने लगे। ओए 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 बस यही रह गया था। अल्लाह कुछ भी नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला। ये आप ज़रा देख सकते हो और आप सब देखने वाले आपको पता है ये सारी चीज़ें सब मेरी तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ उठा लूँ कंडर जो है ये मैं ही खाऊँगा। चॉकलेट्स तो देखो स्नैकर्स किटकैट ये डेरी मिल्क यू मैं यही बोल रहा हूँ इतना बिल बन कैसे गया ये ऊपर से ये सारी चीज़ें ये इतनी सी है ये इतनी सी है इतनी बड़ी अभी खा जाऊंगी। ला देख लो भाई शादी के बाद ये हाल होता है लेकिन ये है कि नसीब से भी आपको मिलता है बीवी के नसीब से ही मिलता है। तो देख लिया आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें खरीद के लेकर आए इसमें से बस दो चार चीज़ें मेरी बाकी सारी मैडम की है। तो अभी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो सो फाइनली गाइस अभी जो है हम लोग ब्लॉग को करने लगे एंड क्योंकि ईद हो गई ख़त्म और इसी तो मेरी बेगम ने मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा करा दिया और अभी मैं उससे लगवा रहा हूँ झाड़ू ये ना घर की झाड़ू लगा रही हो। तो अभी जो है हम लोग मिलने वाले हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर और अब आप लोग पता चल गया ना लोग इंट्रो लगा दीजिएगा मैं एडिट करके इंट्रो रखा हुआ लेकिन आप लगाते नहीं हैं। ओके तो गाइस आप लोगों ने अब जो है कमेंट्स में बताना है नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पर आए क्योंकि अब मैं चैलेंजेस व्लॉग बनाने वाला हूँ और अलग से जो आप लोग की जो फरमाइश है सारे व्लॉग्स बनाने वाला हूँ। तो कर लेंगे और भी स्पाइसी नूडल्स चैलेंज कर लेंगे इस व्लॉग के अंदर आप देख लेना बता देना कौन सा चैलेंज करें क्योंकि वो नूडल्स मैंने इस व्लॉग में दिखाएं। तो चले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ईद आप लोग की भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजरी होगी मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआओं में लाजमी याद रखिएगा सारी ईद अच्छी गुजरी। चलो आप हाँ अच्छी गुजरी सही अल्लाह हाफिज़ और लाइक और सब्सक्राइब।